रश्मि भगत करी बास्केट में आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे क्लिक करिए और मेरी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करिए। ये बिल्कुल फ्री है। चपाती रेसिपी फॉर बिगिनर। आज हम चपाती बनाना सीखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमें चाहिए आटा 2 कप, नमक लेंगे आधा छोटी चम्मच, एक छोटी चम्मच वेजिटेबल ऑयल, पानी लेंगे आटा गूंदने के लिए आवश्यकता अनुसार, अब आटे में नमक और तेल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हल्के हाथों से आटा गूंद लेंगे। हमें ये आटा ना बहुत ज्यादा नरम चाहिए ना ही बहुत ज्यादा सख्त चाहिए। पूड़ी के आटे से थोड़ा सा नरम होना चाहिए चपाती का आटा। कभी भी आटा लगाने के लिए पानी की क्वांटिटी एग्जैक्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि कभी आटे ज़्यादा महीन मिलते हैं, कभी के आटे कुछ ज़्यादा दानेदार मिलते हैं। तो जो ज़्यादा दानेदार आटे होते हैं वो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं, और जो महीन आटे होते हैं वो पानी कम सोखते हैं। तो ये आटे आटे के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना पानी चाहिए आटा लगाने में। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए हम हल्के हाथों से आटा गूंथते जाएंगे। अगर आप रेसिपी की इंस्ट्रक्शन अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बिगड़ेगी नहीं, और उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आटा हमारा बाइंड हो चुका है, अब हम इसे अच्छी तरह से मसल मसल करके गूंद लेंगे। इसे लगभग 5 मिनट तक गूंदते रहें अच्छी तरह से। आटा हमारा गूंद चुका है, अब हम इसे ढक करके 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। बीस मिनट हो चुका है, अब हम इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। ये देखिए आटा हमारा सेट हो चुका है, पहले से काफी अच्छा दिख रहा है हमारा आटा। अब हम आटे से लोइयां निकाल लेंगे। एक लोई का साइज एक बड़े नींबू के साइज के बराबर निकाल लें। हमने आटे में से लोइयां निकाल ली हैं, अब हम लोइयों को गोल बनाते जाएंगे। लोइयों को गोल बनाने के लिए हमें सबसे पहले लोइयों को हाथ में लेकर के, हथेली में लेकर के अच्छी तरह से मसल लेना है। मसलने के बाद उसे गोल गोल घुमाते जाना है हथेलियों में और फिर चपटा कर देना है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से।
ठीक, इसी तरह हम सारी लोइयां तैयार कर लेंगे। लोइयां हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हम लोइयों से रोटियां बेल लेंगे। सबसे पहले हम आटे में लोइयों को अच्छी तरह से लपेट लेंगे। और रोटियां बेलने से पहले प्लेटफॉर्म में आप न्यूज़पेपर बिछा दीजिए, इससे जो आटे फैलते हैं रोटियां बेलते वक्त उसे साफ करने में आसानी होती है। रोटियां बेलने से पहले हम एक और काम कर लेंगे। हम स्टोव को मीडियम हाई हीट पर ऑन करेंगे और तवे को चढ़ा देंगे गर्म होने के लिए, ताकि हमारी रोटियां जब तक बेल जाएं तब तक तवा भी हमारा गर्म होकर के तैयार हो जाए। अब हम रोटियां बेलना शुरू करेंगे। हम एक लोई लेंगे, उसे बीच से हल्का सा दबा देंगे और फिर हल्के हाथों से इसे बेलते जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से। आटे पे ज्यादा जोर नहीं देना है, उसे हल्के हाथों से बेलते जाएं। अगर आपको लगे कि रोटियां चिपक रही हैं तो उसमें फिर से आटा लगाते जाएं। रोटी हमारी बेल चुकी है, अब हम इसे सेक लेंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें रोटी डाल देंगे। चपाती में छोटे छोटे बबल्स आने चालू हो गए हैं, तो हम चपाती को पलट देंगे। बीच बीच में आप रोटियों को उठा करके देखिए कि जितना ब्राउन आपको रोटी चाहिए उतना हो गया या नहीं। अगर आपको लगे रोटियां पक चुकी हैं तो जो कम पका साइड है उसे गैस पर नीचे रखते हुए तेज आंच कर दें। ये देखिए हो गया। चलिए एक बार और दिखा देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम तवे पर रोटी डालेंगे। और जब रोटियों में छोटे छोटे बबल आना चालू हो जाएंगे तब हम उसे पलट देंगे। पलटने के बाद हमें इसे थोड़ी अच्छी तरह से पकाना है। और जो कम पकी हुई साइड है उसे हम फ्लेम की तरफ मुंह करते हुए इसे तेज आंच में पकाएंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से। इसी तरह हम सारी चपातियां तैयार कर लेंगे। तो लीजिए तैयार है चपाती। आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो पे। गुड बाय।